गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते गाइस। तो कैसे हो आप लोग, आप पॉप अच्छे होंगे फिर से आज कॉमिक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग भी स्टार्टिंग हो रही है चैनल क्रॉस से और मैं निकल चुका हूँ अभी घर से। तो फिलहाल तो अभी मैं बुआ के घर पे जा रहा हूँ। कल रात को जो कल की वीडियो थी मैंने अपलोड नहीं की अभी तक, वो अभी अपलोड करूँगा और लेट भी हो चुका हूँ मैं। 7 बज चुके हैं अभी और 8 बजे मेरा सेंटर है, तो कोई नहीं उसका तो कोई टेंशन नहीं है। फिर अभी तैयार भी हो रखा हूँ मैं, तैयार हूँ फिर चलूँगा, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं सेंटर से। आपने जो पिक्चर देखी अभी मैंने जो कंप्यूटर में दिखा रहा था आपको, वो मैंने ही बनाया था अभी। तो वो ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे मैंने 5 बोल से सर ने, तो मैं तीन ही बना पाया अभी, तो 2 और बनाने फिर चेक कराएंगे सर को। तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अभी, तो मैं न्यू वैदिक के पास हूँ अभी। तो अभी बस मतलब पर जाना है, तो दोस्त आ रहा है मेरा तो मैं उसको वेट कर रहा था अभी। मैंने फ़ोन तो किया था उसको, फ़ोन उठाया नहीं उसने, तो अभी उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर तक वेट करूँगा फिर उसके चल जाऊँगा मैं, तो देखते क्या सीन होता है। तो गाइस बैठ चुके बस में, अभी देख सकते हैं आधे खड़े भी है क्योंकि जगह नहीं इतनी। अब मेरे ख्याल से सर लड़कों को उठाएगा और लड़कियों को बिठाएगा क्योंकि लेडीज फर्स्ट। वो देखो लड़के को उठा दिया है, यहाँ नाइंसाफी हो रही है सर, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पर लड़कियों को बिठाया जा रहा है और लड़कों को उठाया जा रहा है। ये मुद्दा 3 दिन इसका विजिट लगा और तीनों के 3 दिन ये दोनों खड़े थे। भाई तेरा दिल दर्द समझ सकता हूँ भाई मैं, बहुत बुरा। मैंने आपकी प्रॉब्लम को बताया है, ये लड़कों के साथ अक्सर होता रहता है। अत्याचार कर रहे हैं लड़कियों के साथ, 1.5 साल बाद आप दोबारा बैठोगे सीट पे। बस से बैग बस से उतर गए हैं। आज हम यहाँ उतारा आपके यहाँ और जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर उतारा। पता नहीं कहाँ पर जाएंगे सही से हम, तो देखते क्या सीन है। पता नहीं यहाँ से पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे हमें, पता नहीं अब कुछ। अब यहाँ से हमें ले जा रहे हैं कहीं और। कहीं और कहाँ अब पता नहीं, ये तो किसी को भी नहीं बताया अभी कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ भाई, तो गाइस लग चुका है पता हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रेंड्स में जा रहे हैं। तो आज यहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा 2-3 मंजिल वाला है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, सब कुछ होगा। मतलब यहाँ पर अंदर जाके दिखाएंगे आपको क्या होने वाला है। आज कुछ ज़्यादा बच्चे हैं तो आज घूमना है हमें, बस बताएंगे हमें कैसे कैसे काम होता है वो दिखाएंगे और घूमेंगे और चलेंगे। लड़कियां जब बाहर जाएंगी चेकिंग करवा कर जाएंगी, SLP है हमारे यहाँ पे फीमेल, ठीक है, ट्रायल रूम में अंदर चेकिंग होगी। सेम फॉर बॉयज, आप लोग जब बाहर जाएंगे अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी हेड नहीं है मेल, तो यहाँ का स्टाफ होगा वो आपकी चेकिंग करेगा और कैमरे के सामने चेकिंग होती है बॉयज़ के यहीं पर। उसमें कोई ये नहीं कि आपके हमने कोई कपड़े ऐसे करवाने, नॉर्मल जैसे हम लोग फ्रिस्किंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कपड़ों के स्टोर में हैं, आप लोग अलग अलग अपने पहन कर आए हैं, तो जस्ट फॉर सेफ्टी, ये कोई गलत वो नहीं है। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट आप लोगों के? लंच लाए सारे? क्योंकि सर्कल आ रहे हैं आज। इसमें से कितने बच्चे होंगे अभी ट्रेनिंग में? अभी वैक्सीन की होगी, अगर कुछ बचा बीच में तो वहाँ पर एक्चुअली इकट्ठे हो गए ना, इन साइड उठना पड़ रहा था।
ट्रेनिंग में वो आएंगे। तो ट्रेंड्स का पता है सबको, किसकी कंपनी है ट्रेंड्स? किसकी है? रिलायंस की है। ठीक है, पढ़ी होगी आपने, रिलायंस वाले पढ़ी होगी आप बेसिक। तो गाइस ये जहाँ हम स्टोर में आए थे ये रिलायंस का स्टोर था, और यहाँ पर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है जो बहुत ही मतलब फॉलो हमने रूल फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत बड़े मतलब अच्छे रूल नहीं, हमारे लिए तो अच्छे रूल नहीं है, मतलब आज़ादी नहीं थी वहाँ पर हमारे लिए। तो सीन था कि मतलब ब्लॉग बना रहे हो, चलता था व्लॉग नहीं था वो, तो ऐसा था कि मतलब सारे आ सकते हैं। मतलब यहाँ से ले गए हम, जितना हमें बताना था हमें बता दिया है। पर कैश काउंटर, बाकी यहाँ का सिस्टम ही अलग है। मतलब यहाँ पर रिलायंस के ब्रांड का सामान बिकता है, जितना भी सारा ब्रांड का, रिलायंस और अलग जो ब्रांड है उनका सामान बिकता है। तो यहाँ से बोर हो चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे, फोटो शूट हो रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं दूसरे स्टोर में। यहाँ पर ये ब्रांड्स की कमी नहीं है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के लोगो लगे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर हम, उसके बाद देखते क्या सीन होता है आगे का। वहाँ था कि अंदर रिलायंस जो रिलायंस का रिटेलिंग जो स्टोर रूम था उसमें था कि हम अंदर वीडियोस बनाना, वीडियोस या फोटो खींचना अलाउड था, उधर मना किया था हमें, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई। अब यहाँ का परमिशन पता नहीं है कि नहीं है, पर आगे दिखाऊँगा आपको। ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं क्या मस्त है, काफ़ी बड़ा स्टोर है लग रहा है मुझे। अरे ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है इधर आ पीछे। अंजलि का भाई है ना, तो अंजलि का नहीं नाम जो सर लेते हैं, मैंने बोला मैं अंजलि भाई। अभी तक पहचान मेरी पहचान देखी सारे कस्टमर को एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब आप एक बार सब आपको लड़की आ जाए वापस, फिर आपको भेजते हैं सारा स्टोर। आप देखो किसी से पूछता है वो जो वहाँ स्टाफ है बताएगा आपको, कुछ भी जानकारी चाहते हो। ठीक है, पर साइलेंटली, शोर नहीं जाना, कस्टमर भी होते हैं अंदर। ठीक है, जो साइलेंटली आपको पूछना है सब स्टाफ बताएगा आपको। 5-7 मिनट वेट करो, आपको लड़की आ जाए फिर जाना। ठीक है, आ जाओ। इधर का देखो कुछ ऐसा सीन है, पर यहाँ ये है कि ग्रोसरीज है, और यहाँ पर जो खाने की चीज़ में, खाने की उसमें जो सामान जितने भी होने खाने की चीज़ में, खाने के जो मतलब जो खाने में या खाने की चीज़ों में मिलने वाली चीज़ें हैं वो सारी यहीं मिलती है। और ये दवाई है, मेडिकल स्टोर, मेडिकल है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो किचन में यूज़ होने वाली है सारी खाने की चीज़ें वो यहीं पर ही हैं। ये इधर है, और इधर कपड़े उधर है उस साइड को है। तो लड़कियों का लड़कों का अलग अलग सेक्शन बना दिया है यहाँ पर। गाइस हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में, जहाँ है
फैशन के मतलब जो घर में यूज होने वाले जो बेड कंबल रजाई वजाई सब इधर ही है। सो गाइस अभी हो चुका है लंच टाइम, तो यहाँ हमारा हमने विजिट कर लिया, घूमना था घूम लिया हमने, तो ये स्टोर था। सर यार सर मैं इधर ही था सर, तो सर भी मिल चुके हैं हमें सर यहाँ पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम तो चल पड़े हैं अब लंच करने के लिए। तो गाइस सारा जगह घूमने के बाद फिर हम वहीं आ चुके हैं V2 पे, क्योंकि लंच हमारा यही है, क्योंकि उन्होंने उनको उन पहले से बोल रखा था कि इतने बंदों का लंच है कल, यहीं पहले से बुक करा रखा था उनको। चलो 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 चलो। अरे यार तो यहाँ लंच करेंगे उसके बाद सीधे घर को जाएंगे मेरे ख्याल से, तो अब कोई वो अब नहीं जाएंगे कहीं पर ही, तो मिलता हूँ नीचे आपको। गाइस अब जा रहे लंच करने के लिए, भूख लगी बहुत सारी, आधे बंदे पहुँच चुके हैं। मारूंगा देख ले। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है राजू, जाओ लंच करने के लिए बैठे के। जानवर उधर खा रहे सलोनी, ये शौक करने से मेरा आया नहीं, तो मेरे वेट करे बेचारे। कोई नहीं देखते आज राजमा चावल है, राजमा चावल रोटी, फिर खाने के बाद मिलता हूँ। यार मैं नहीं खींच रहा यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लीज यार, ये देख लो कहीं यार आते यार। मैंने तो खुदा उल्टी आ रही है, मैं चक्कर पर चिराग जाएगा है। अबे भाई मैं तो इस साइड करने के का दिया पलक से मुझे नाक से उठा के गाइस अभी अंशु खिला रहा मैं मोमोज खिला रहा मैं, झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा हूँ ये खिला रहे, पूछा भी नहीं उन्होंने हमें खाने के लिए, देखना अकेले अकेले खाई जा रही, बस खाई जा रही खाई जा रही। और ये भाई हमारे तो अब मोमोज खाने आ रखे हैं, देख सकते मेयोनीज मिक्स कर दी इसने चटनी दोनों ही रेड और ये वाली टमाटर की चटनी है, मिर्ची चटनी है ना, मिक्स कर दी।